नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में कारोबारी की यहां पर हुई पिछले दिनों चोरी की वारदात में पुलिस द्वारा खुलासा करते हुए एक शिगलीगारो सहित एक महिला को गिरफ्तार किया गया, जो कि चाबी बनाने के नाम पर डुप्लीकेट चाबी बनाकर चोरी की वारदात की गई थी और चोरी की मशुका का मुथुट फाइनेंस कंपनी में भी रखा गया था। पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी आनंद यादव के मुताबिक अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी के यहाँ पर एक चोरी की वारदात हुई थी, जिस पर से पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके जाँच पड़ताल शुरू कर दी थी। वहीं सिगलीगर सहित एक महिला को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि सिगलीगर फरियादी के घर पर अलमारी की चाबी बनाने के लिए गए थे, तभी अलमारी की चाबी तो बना दी लेकिन एक चाबी डुप्लीकेट भी बनाकर अपने पास रख ली और इस चाबी से उन्होंने फरियादी के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। तमाम जांच पड़ताल के बाद सिगलीगर और एक महिला को गिरफ्तार किया गया और कुछ जेवरात तो पुलिस ने बरामद कर लिए, लेकिन कुछ जेवरात मुथुट फाइनेंस में आरोपियों के द्वारा गिरवी रखकर नगद रुपये लेने की बात भी सामने आई, जिसको लेकर जाँच पड़ताल की जा रही है। इसमें एक घटना हुई थी जिसमें कि अलमारी में रखे हुए कुछ जेवरात चोरी किए गए थे, उसमें अन्नपूर्णा थाने पे नकबजनी का अपराध पंजीबद्ध था। उसी में नानक सिंह और चंदन सिंह सिगलीगर दो हैं और एक इनकी बच्चे की माताजी, एक नाबालिग बच्चा है इसमें 16 साल का, और उसकी माँ और पिता, तीन लोगों को अरेस्ट किया है और चोरी का माल काफ़ी कुछ बरामद हो गया है। बाकी शेष के लिए अभी पुलिस पूछताछ और बरामदगी का प्रयास कर रही है। वो जहां इन्होंने बेचना बताया है आरोपीगण ने सामान चोरी का, वो उन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, माल बरामदगी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो चोरी गया मसरूका है वो बरामद किया जा सके। वो इंटेंशन और रिकॉर्ड देखने के बाद ही स्थिति पता चलेगी कि क्या समझ के उन्होंने खरीदा है और उसकी एंट्री वगैरह प्रॉपर है या नहीं है, जो भी है उसके बाद ही निर्णय लेंगे। सर, जिन आरोपियों के पास कितना सामान जब्त हो गया है और किस तरह का प्रोफाइल है? जो ये आरोपी गण हैं, ये सिकलीगर हैं जो कि चाबी वगैरह बनाने का काम करते हैं और जिनके घर में चोरी हुई है उन्होंने इनको अलमारी की चाबी बनाने के लिए ही बुलाया था। उसी में इन्होंने ताला वाला खोल के चाबी बनाई थी और उसी चाबी पर से को डुप्लीकेट चाबी इन्होंने तैयार की और बाद में फिर इस चोरी की वारदात नकबजनी को अंजाम दिया है। करीब करीब 50% जो है वो चोरी का मसरूका बरामद हो गया है, जो कि कुछ माल इन्होंने मुथूट फाइनेंस, जो गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनी है, वहाँ पर रख के कुछ पैसा हमसे ले लिया था, तो वो वहाँ के रिकॉर्ड में था जिसको हमने बरामद कर लिया है। शेष अन्य कहीं सुनार को बेचा है, जिसके बारे में अभी पूछताछ की जा रही है और शेष माल बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।